कदम दर कदम चल रहा हूँ मंजिल की तलाश के लिए, तमन्ना बस ये है, तमन्ना बस ये है कि संजीवनी हो मेरी लेखनी दिलों के लिए, सबके सपनों में कर्मठता के रंग बस जाएं, सपने को सुनकर शब्द मेरे प्रेरणा स्रोत बने, टूटे सपनों के हौसलों के लिए। मेरी कविता शीर्षक है सपने। निश्चित रूप से सपने सभी देखते हैं, बात केवल इतनी है कि सपने जागती आंखों से या बंद आंखों से देखते हैं, तो उसी पर है कि बंद आंखों के सपने झूठी जन्नत की सैर कराते हैं। बंद आंखों के सपने झूठी जन्नत की सैर कराते हैं, खुली आंखों के सपने संघर्ष से मेल कराते हैं, और सपनों को लक्ष्यमान यथार्थ रूप दिया जिसने, इंसान वही पुरुषार्थ की परीक्षा में सफल हो जाते हैं। सपनों हमें बहुत कुछ देते हैं, जैसे कि आशा निराशा उल्लास विषाद, सपने अनेक भाव दिखाते हैं, कभी दम तोड़ती ख्वाहिशें, कभी विजय उल्लास के गीत गाते हैं, जीवन संग्राम में टूटते हुए कायर सपनों से युद्ध लड़ा जिसने। आप सभी युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणादायक बात है कि जीवन संग्राम में टूटते हुए कायर सपनों से युद्ध लड़ा जिसने, इंसान वही कामयाबी की बुलंदियों पर नाम लिख जाते हैं। और सपनों की और भी विशेषता है क्या, कि सपने कभी खुद की कमियों से पराजय भाव बन जाते हैं, सपने कभी किसी षड्यंत्र का शिकारी राग बन जाते हैं। शायद ऐसा अवसर किसी जीवन में आए कि आपके सपनों के बीच में कोई षड्यंत्र आ जाए, लेकिन इंसान के जीवन में ऐसा हो जाता है कि सपने कभी किसी के षड्यंत्र का शिकारी राग बन जाते हैं। मसल कर कमियों कुचल कर षड्यंत्रों को कदम बढ़ाए जिसने, इंसान वही विश्वास के परिचायक प्रहलाद बन जाते हैं, इंसान वही विश्वास के परिचायक प्रहलाद। और अंतिम चार पंक्ति इस कविता की, कि इंसान के हौसलों से जब बंदिशों के पर कतर जाते हैं, हकीकत के धरातल पर तब उसके सपने उतर आते हैं, सपनों में जिसने सफलता के रंग भरे परिश्रम से अपने, इंसान वही जमाने में तरंग एक मिसाल बन जाते हैं, इंसान वही जमाने में तरंग एक मिसाल बन जाते हैं। कविता समाप्त हुई, लेकिन इन चार जो अगली चार पंक्तियां सुनाने जा रहा हूँ उनमें आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जिनके सपने पूरे हो जाते हैं उनके लिए यह पंक्तियां, कि बुलंदियों पर पहुँच कर कभी सर झुकाकर उनको भी देख लिया करना, बुलंदियों पर पहुंचकर कभी सर झुकाकर उनको भी देख लिया करना, सपने जिन्होंने कुचले हैं अपने तुम्हारी राह आसान बनाने को। यहाँ अभी इन्होंने भाई ने जिक्र किया माँ बाप का, मेरे लिए माँ बाप भी होते हैं जो अपने सपनों को कुचल कर हमारे सपनों को बड़ा करते हैं। तो कामयाबी का सहरा यूं ही नहीं बन जाता किसी के सर पर, अनेकों हाथ दुआए करते हैं किसी को तख्त ताज दिलाए, और ये कविता मेरे सपने में एक कविता और है, मेरे ख्याल है ये भी आपको प्रेरणा देगी क्योंकि मेरी उम्र ही है आप लोगों को प्रेरणा देने की, उसी हिसाब से मेरे भाव भी आते हैं उम्र के हिसाब से कविता लिखते, आपकी उम्र मैं भी शायरी लिखा करता था, लेकिन आज तो ये कह सकता हूँ क्या कि वो इंसान नहीं जो कुछ ना देने पर नसीब को दोष दो, वाकिफ हूँ कि देने वाले ने मुझे नसीब से ज़्यादा दिया है, मुकद्दर से पहले खुद की कोशिशों को परखता हूँ मैं, मैंने लकीरों से ज़्यादा अपने हाथों पर इख्तियार किया। तो मेरी जो दूसरी कविता है, कोशिश तो कर अपने विचारों की सूक्ष्मता से ऊपर उठने की कोशिश तो कर, अपने मन की संकुचित जकड़नों को जीतने की कोशिश तो कर, पढ़ना है तो बस
अपने दिल की तुच्छ मटमैली रेखाओं को पढ़ पृथ्वी की व्यापक दृष्टि पा जाएगा, स्वयं को बदलने की कोशिश तो करे। जीवन सफर में लड़खड़ाते कदम संभल सकते हैं, कोशिश तो कर। राह से भटके मुसाफिर मंजिल पा सकते हैं, कोशिश तो कर। बुराइयों के जलाशय की हैसियत ही क्या तेरे हौसलों के आगे, बुराइयों के जलाशय की हैसियत ही क्या तेरे हौसलों के आगे, मन की अच्छाइयों के समुन्द्र में उतरने की कोशिश तो कर, कोशिश तो कर। और सभी चाहे वो कवि हों चाहे शायर हों, सभी साधना करते हैं उन्हीं सबके लिए है कि उत्कृष्ट साधन सभी मिल जाएंगे साधना से, उत्कृष्ट साधन सभी मिल जाएंगे साधना से, कोशिश तो कर। सुंदर द्वार सारे मन के खुल जाएंगे सद्भावना से, कोशिश तो कर। मोह लोभ अहंकार की बेड़ियां बड़ी क्षीण होती हैं मन के अंदर, स्वयं पर विजय मिलेगी दृढ़ संकल्प कामना से, कोशिश तो कर, कोशिश तो कर। अंतिम चार कठिन नहीं और चेतन मन का जागृत हो जाना, कोशिश तो कर। मैं आप ये साल पिछले जा रहा था कि अगर कभी किसी से हमारे भगवान जी हैं बड़े अच्छे मतलब मुझे लगते हैं कि बातचीत से व्यवहार से, मतलब कहना यह है कि कभी अगर मेरा इतिहास है तो बड़ा ब्लैक काला इतिहास है जो युवावस्था की, लेकिन उस दौर से उससे निकल के वो आया हूँ, उसके लिए ईश्वर से ईश्वर की कृपा मुझे प्रवेश करें, मैं ईश्वर को बड़ा वंदन करता हूँ। तो उन्हीं प्रश्न बात कह रहा हूँ कि कठिन नहीं और चेतन मन का जागृत हो जाना, कोशिश तो कर। आसान है परत दर परत मन की गांठों का खुल जाना, कोशिश तो कर। सलाहों उपदेशों का बस अमल स्वयं पर सबसे पहले हो तरन, निश्चित है एक दिन तेरी कोशिशों का समर जाना, कोशिश तो कर, कोशिश तो कर।